पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहे किसानों के धरने पर हर रोज कोई ना कोई किसान नेता या विधायक अपना समर्थन देने पहुंच रहा है। इसी कड़ी में सांगवान खाद के प्रधान और हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वाले निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान दूसरी बार पलवल में किसानों के धरने पर पहुंचे और किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को तो घेरा ही, वहीं प्रदेश सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं सांगवान ने सिख समुदाय की भी जमकर तारीफ की। अगर किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। 85% जनता, ये छोटी किसानी काम करता है, ये अमेरिका और यूरोप नहीं है। यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था किसान पर आधारित है, इसलिए किसान जिंदा रहना जरूरी है। और किसान हर सब्जी का, 36 क्रांति का हर भाई तो खेती के साथ साथ अपनी मजदूरी भी करता है, खेती पर आधारित है। ये 36 क्रांति का सब भाइयों का आंदोलन है, सब भाइयों के सहयोग की जरूरत है। हमारे ज्ञानी जी भाई सरदार जी बैठे हैं, मैं तो आप लोगों को सल्यूट करता हूँ, आपके सरदारी को। जिस प्रकार का रास्ता आप लोगों ने देखा है, इस समाज को जगाने का काम करिए, चेतना करिए, इसका भी फल भगवान आप लोगों को देगा। दिल्ली NCR के तमाम बॉर्डरों पर कृषि कानूनों को रद्द कराने और MSP पर कानून बनवाने के लिए किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और 6 दिनों से लगातार सभी धरना स्थलों पर किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। पलवल के नेशनल हाईवे 19 स्थित अटोहा चौक पर किसानों का धरना प्रदर्शन 24वें दिन भी जारी रहा। इस धरने में मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, राजस्थान और UP के किसानों के साथ साथ पलवल जिले के किसान भी धरने पर बैठे हैं। पलवल जिले से रोजाना एक गांव के किसान धरने पर समर्थन देने पहुंच रहे हैं। अपने अपने तरीकों से मोदी सरकार पर कृषि कानून को रद्द कराने के लिए हमला बोलते दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वाले निर्दलीय विधायक और सांगवान खाद के प्रधान सोमवीर सांगवान दूसरी बार पलवल में किसानों के धरने पर पहुंचे और किसानों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर्टिफिकेट देने जरूरत होती है क्या? ये किसान है, अभी यही भी बताने की जरूरत पड़ेगी कि किसान है कौन है, ये कितना दुर्भाग्य है जो BJP के अंदर है वो किसान नहीं है, उनको किसानियत का नहीं पता। अगर नहीं होते तो रोडों पर आज 35 दिन से बैठे हैं। इस सर्दी के मौसम में लोग घर से बाहर नहीं निकलते, रात इतनी ठंड के अंदर रोडों पर पड़े हैं अपनी तकलीफ को लेके। ये हिंदुस्तान के देशभक्त और किसान भाई हैं और इनको हक सरकार ने देना पड़ेगा। तो मोदी जी से उम्मीद थी कि भले की उम्मीद थी, गरीब घर में पैदा हुआ है, गरीब की तकलीफ को जानता है, चाहे पैसे गुजारा करने वाला आदमी जिसके चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है। उस गरीबी को भूल के आज चकाचौंध के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों के चुंगल में फंस के मोदी जी ने गलत फैसला ले लिया। वहीं विधायक सोमवीर सांगवान ने धरने पर बैठे किसानों को सरकार द्वारा किसान नहीं मानने वाले बयान का भी जमकर जवाब दिया और कहा कि किसान को किसान बताने के लिए कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती। यदि ये किसान नहीं होते तो फिर सड़कों पर सर्द रात में एक माह से क्यों ठहरने के लिए मजबूर होते? ये देशभक्त और किसान भाई हैं, इनका हक सरकार को देना होगा, ये कोई भीख नहीं मांग रहे। इस मौके पर विधायक सांगवान ने पीएम मोदी को तो घेरा ही, साथ ही प्रदेश सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों को भी खूब खरी खोटी सुनाई और सिख समुदाय की जमकर तारीफ की और भूख हड़ताल पर बैठे किसानों से मुलाकात की। पलवल से डी न्यूज के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट।